अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं प्राइस वे का चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और रेसिपीज़ फॉलो कर रहे होंगे। आज जो हम आपके लिए फ़ोन लेके आए हैं उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। ये 256 GB विद 8 GB रैम के साथ है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके कुछ फीचर्स बताएंगे। ये फ़ोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है 21 मई को। इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट होंगे और इसके साथ साथ ये कुछ डील्स लेके आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके साइड पे Zhong के स्टिकर लगा हुआ है, तो ये Zhong कस्टमर्स के लिए खुशखबरी है कि जो भी Infinix का फ़ोन लेंगे और Zhong की सिम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, आप ऑफ़र अवेल कर सकते हैं जिसमें 12 GB इंटरनेट फॉर 6 consecutive months आपको फ्री मिलेगा। ये ऑफ़र अवेल करने के लिए जैसे ही आप सिम किसी भी इन्फिनिक्स फ़ोन में नया लेके आप डालेंगे तो आप *4114# मिलाएंगे तो ऑफ़र अवेल हो जाएगी। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनके लिए ये है कि जब आप 21 मई से प्री ऑर्डर करेंगे तो कुछ फ़ोन्स के साथ आपको इन्फिनिक्स का iRocker वायरलेस हेडफोन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लास्टली एक और चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो एक्स क्लब जो है इन्फिनिक्स की एक ऐप है जो कि फेसबुक की तरह है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो इसके अंदर जो एक्स क्लब है वो आपको एक और फीचर ये दे रहा है कि अब आप उसके ज़रिए बहुत सी अच्छी डील्स, बहुत से नई चीज़ें और न्यू फोन्स विन कर सकते हैं। अच्छा, अनबॉक्सिंग से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि जो पिक्सल रेजोल्यूशन है, जैसे पुराने इसका जो वेरियंट है नोट 8, उसका पिक्सल रेजोल्यूशन वो 720 था, लेकिन इस बार जो इस वेरिएंट में है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के अंदर 1080 रेजोल्यूशन उन्होंने दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक हाई एंड वेरिएंट है, हाई एंड डिस्प्ले है। इन्फिनिक्स की इस सीरीज़ का हमेशा से इंतज़ार रहा है, ये एक बेंचमार्क सीरीज़ है नोट सीरीज़ जो है इन्फिनिक्स की। और अब नोट 10 प्रो जो है ये एक ऐसा फ़ोन है कि जो मार्केट में छा गया है हर जगह। इसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करें तो मैं एक दफ़ा प्राइस रिपीट कर दूं कि इसकी जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस 30,999 है, लेकिन इसकी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है उसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है जो कि 29,999 है। अब इसके कुछ मेन फीचर्स की तरफ चलते हैं। मेन फीचर जहाँ के इसके बॉक्स के सामने ही मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी 90Hz रिफ्रेश रेट है। इसके अलावा 6.95 FHD डिस्प्ले है। 6.95 जो डिस्प्ले है वो एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले है, काफ़ी एक अच्छा डिस्प्ले है। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। इससे ज़्यादा अगर जो डिस्प्ले साइज़ होता है वो हमेशा बड़ा फ़ोन होता है, उसके अंदर बड़ा आईपैड की जितना, जो कि आपको ज़रूरत नहीं होती। 6.95 इज़ द परफेक्ट डिस्प्ले कह सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर FHD डिस्प्ले है जो कि सुपर फ्लूइड डिस्प्ले है। सुपर फ्लूइड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज़ बेटर देन FD डिस्प्ले, जो स्टैंडर्ड आपका HD डिस्प्ले होता है उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा जो इसकी सर्टिफिकेशन मुझे नज़र आ रही है, बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है कि एक लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड है। लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा आंखों में मतलब दर्द नहीं होगा जब आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट होता है जो मूवी ज़्यादा देखते हैं या गेमिंग करते हैं, तो इसके सर्टिफिकेशन है। इससे यह है कि आपको लो ब्लू लाइट का फ़ायदा यह है कि आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, आप इजीली फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेनी आवर, जितना मर्ज़ी आप चाहें। इसके अलावा एक और जो इसकी सर्टिफिकेशन लगी हुई है वो सेफ़ फास्ट चार्ज सिस्टम है। सेफ़ फास्ट चार्ज सिस्टम मतलब इसकी जो चार्जिंग सिस्टम है उसको इन्होंने सर्टिफाइड किया हुआ है। इसका मतलब कि आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है तो ये फास्ट चार्ज करेगा, इट इज़ सेफ़, तो ये आपका ड्यूरेबल है और स्टर्डी है। कुछ चीज़ें और हम डिस्कस कर लें छोटी मोटी, वो ये हैं कि इन जो 30,000 की इसकी प्राइस रेंज है जिसमें इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो लॉन्च हुआ है, अगर आप पाकिस्तान में जितने भी फ़ोन लॉन्च हुए हैं आप अगर उनको देखेंगे तो 30,000 की रेंज में कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जो कि इतने हाई एंड फीचर्स लेके आए। इवन के इन्फिनिक्स नोट 8 भी है वो भी इस प्राइस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। नोट 8 आई भी कहीं हद तक फॉल करता है। इसके अलावा शाओमी और सैमसंग ने भी लॉन्च किए हैं जो इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, लेकिन इस वेरिएंट जो है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ये हर एक वेरिएंट को बीट कर रहा है और 30,000 प्राइस रेंज में ये एक बेस्ट वेरिएंट के लिहाज से आप कहला सकते हैं। इसको जो चीज़ सपोर्ट कर रही है वो ये भी है कि ये अभी रिसेंटली IIF डिज़ाइन अवार्ड जीता है 2021 के। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स अनबॉक्सिंग।
सो व्यूअर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है। इसके सामने जो हमारे पास है वो पहले फ़ोन मिल रहा है, इसके बाद हम सारी इसकी चीज़ें निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। फ़ोन के सामने इसके कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स गिवन हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स एक्सेसरीज और बाकी इसकी जो चीज़ें हैं। सो फ़ोन को हमने अनबॉक्स कर लिया और इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फ़ोन है, इसके साथ हमें इसका चार्जर दिया गया है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है 33 वॉट के साथ। इसकी केबल है, इसके साथ साथ इसके अंदर वारंटी कार्ड है गिवन। वारंटी कार्ड के साथ आपको एक ये डॉलर कार्ड जो जॉइन द क्लब का भी दे रहे हैं। इसके अलावा एक इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर साथ हमें ग्लास प्रोटेक्टर मिल रहा है और साथ फ़ोन का एक कवर मिल रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट कवर है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन जो है इसका कलर जो है वो पर्पल है और बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है, बहुत ही लाविश डिज़ाइन है इसका। एक साथ साथ हम इसकी चीज़ें बता देते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डिस्प्ले देखें, 6.95 डिस्प्ले है। फ़ोन हमने ऑन कर लिया है, अब इसके कुछ बटन्स और इसके फीचर्स बताते हैं आपको। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका ये फिंगरप्रिंट बटन है विद पावर बटन। यहाँ पे जो है ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है। ऊपर इन्होंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया हुआ, जबकि आप अगर बहुत क्लोजली लुक करें तो स्पीकर्स आपको नज़र आ रहे हैं, फ्रंट कैमरा नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चार्जिंग के लिए, हेडफोन्स के लिए और स्पीकर्स का जो जैक है वो आपको नज़र आ रहा है। और हम अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने सिम इंसर्शन के लिए दिए एक जैकेट और दी हुई है। पहले मैं बता चुका हूँ इसका डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही खूबसूरत है। 90 हर्ट्ज इसका फ्रेश रेट है और आप देख सकते हैं कि सेंटर में इसका पंच होल कैमरा दिया गया है जो कि आपका फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और फेस अनलॉकिंग सेंसर भी है। हम फिंगरप्रिंट सेंसर अभी टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर इसको बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर रहा है, एकदम से उठा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें प्रोसेसर भी फास्ट लगा हुआ है, हीलो G95 बेसिकली एक हाई एंड प्रोसेसर है जो कि एक बेंचमार्क प्रोसेसर कहलाता है और ये मोस्टली गेमिंग में यूज़ होता है। इसकी तमाम जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो पम्प्ड अप हुई होती है CPU के लिए। और बाकी चीज़ें अगर हम देखी जाएँ तो कैमरा के तमाम जो एंगल्स हैं हम शॉर्ट्स आपको दिखाएँगे वैसे भी, लेकिन शटर स्पीड बहुत ही फास्ट है और बहुत ज़्यादा मोड्स हैं जो कि हम डिटेल जब रिव्यू देंगे तो उसके अंदर हम उसको आपको सारे मोड्स दिखाएंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हीलो G95 जो है वो गेमिंग प्रोसेसर है, तो गेमिंग प्रोसेसर तमाम गेम्स आपको इजीली चलाता है। इसके अंदर एक गेमिंग मोड दिया गया है प्रॉपर, जिसके अंदर आप गेम ऐड कर सकते हैं और ईजीली गेमिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको अलाउ करनी पड़ती हैं और देख सकते हैं इसका नाम गेमिंग जोन है। हम जो डिटेल रिव्यू है उसके अंदर देंगे आपको तमाम गेमिंग जो इसका सिनेरियो है उसको, प्रॉपर PUBG और कॉड हम चला के आपको दिखाएंगे कि वो कितना इजीली उठा रहा है और बैटरी ड्रेन आउट तो नहीं हो रही है। और ऑब्वियसली बैटरी कैसे ड्रेन आउट हो सकती है जो कि 5000 mAh बैटरी है। 5000 mAh बैटरी बहुत ही हैवी बैटरी है, आप जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल करें बहुत वो इजीली ड्रेन नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू 4000 या 3500 mAh बैटरी जो है। उम्मीद है आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी। 128 GB NRGB रैम के साथ जो वेरिएंट है उसकी प्राइस मार्केट में जो आएगी वो 30,000 होगी, 29,999 विच इज़ इक्वल टू 30,000। इसके अलावा जो आपके इसको फीचर्स मिल रहे हैं इस फ़ोन में वो बहुत ही अच्छे हैं। जो इसका प्रोसेसर है वो काफ़ी तेज़ है, हीलो G95 है। इसके अलावा जो इसका कैमरा है उसमें फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इसका क्वाड कैमरा है विद क्वाड फ्लैशलाइट
और भी बहुत से फीचर्स हैं इसके अंदर जो हम दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब का चैनल। इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।